हालत तो मेरी मतलब है कि इतनी बेपनाह दोस्ती और इतनी अच्छी दोस्ती कि क्या उसके बारे में कहा जाए। वो ये हुआ कि मैं गया उस नसीब में, मैं एक फिल्म करने गया श्रीलंका में, तो जब वो फिल्म करने गया तो यहाँ अखबारों में छप गया कि मेरा उससे ब्याह हो गया। तो मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई यहाँ ये छप गया। मैंने कहा तू फौरन यहाँ आ जाओ और आके देखो कि आया वो मेरे साथ है या नहीं है। तो यानी इतनी दोस्ती थी कि लोग इतना आना जाना था कि लोगों का ख्याल था कि मेरा उसका ब्याह हो गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छी दोस्त, बहुत अच्छी अदाकारा, बहुत बेहतरीन काम करने वाली, और एक नशीली दोस्त जिसे आप कहते हैं, एक ऐसी दोस्त जो आपके साथ औरत होने के बावजूद मर्द बन के साथ थे, मतलब ऐसी दोस्त जिसको आप कभी ऐसे ना देख सके कि ये किसी मुख्तलिफ सिन्फ से है, लगता था कि वो आप में से है और आपका हिस्सा है। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और स्क्रिप्ट वाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जी जी हाँ, तो उसमें अकेला आदमी हाँ नहीं बढ़िया जी। आप उनकी जितनी परफॉर्मेंसेस भी उठा के देख लें, बहुत कम आप उनको उसमें आपको फ्लॉ नजर आएगा। हालांकि उन्होंने मेरे साथ बहुत कम खेल किए, अनफॉर्चुनेटली मेरे उनके बहुत कम खेल हैं इकट्ठे, लेकिन जो भी काम उन्होंने मेरे अलावा भी किया वो देखने लायक का है। यानी अगर आप पाकिस्तान की चार या पांच बड़ी एक्ट्रेसेस का नाम लेंगे तो एक नाम उनमें खालदा रियासत का, कोई शक ही नहीं। ट्रेन तो खैर हमारे उस जमाने में कोई तस्वुर था ही नहीं, लेकिन फिर भी जैसे मसलन उज़्मा गिलानी का बहुत नाम था, साहरा काज़मी का बहुत नाम था, खालदा रियासत का बहुत बड़ा नाम था। यानी ये वो लोग हैं जिनके नाम जो हैं वो बड़े होकर के स्क्रीन पर आते थे। खालदा का जो काम जो था वो ये इस लिहाज से मुख्तलिफ था इन दोनों से कि खालदा ने ऐसे खेल भी किए जो बहुत लाइट वेट थे और वो भी किए जो बहुत भारी थे, फिर उसने स्टेज भी किया।